आप में जो लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं वो नहीं कर सकते। पंचायत जो है वो सजाए मौत दे देती है। हमारे यंग हीरो जो हैं वो बहुत सालों तक यंग रहते हैं। वो 45 साल की उम्र में भी वो किताबें लेके कॉलेज चले जाते हैं। आर्ट सिनेमा मेरा पहला प्यार है। स्पर्श में एक हफ्ता काम किया था मैंने, उसमें 500 रुपये मिले थे। ये मिसिस गांधी की ख्वाहिश थी, उन्होंने यस मिनिस्टर देखा था इंग्लैंड में। आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान और पूरे दुनिया भर के एक बहुत ही मशहूर और बेहतरीन कलाकार ओम पुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड हंगामा पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत किसी भी संगठन, पंचायत या खाप पंचायत को यह हक नहीं है कि वो किसी शादी को रद्द कर सके। ऑनर किलिंग का केस है। ओम जी की एक फिल्म आ रही है खाप, जो कि 29 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। खाप का अगर वर्ड यूज़ करें तो खाप पंचायत इमीडिएटली ध्यान में आता है। आई बिलीव आप कहीं ना कहीं वो भी आपकी फिल्म में एक अहम रोल निभा रहा है, कुछ बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, खाप फिल्म जो है वो खाप पंचायत के बारे में है। हरियाणा में और कुछ राजस्थान के हिस्से में, कुछ पंजाब के हिस्से में और वेस्टर्न यूपी के हिस्से में खाप पंचायतें होती हैं। बहुत बरसों पहले खाप पंचायत जो थी उसका मकसद था किसी भी मुसीबत में अगर समाज आता है तो वो मददगार साबित हो जी। बाढ़ आए, सूखा आए, ब्याह शादी में गरीब आदमी की मदद करें, स्कूल खोलें, अस्पताल खोलें लोगों की भलाई के लिए। कुछ साल पहले ये एक रिवायत शुरू हो गई कि खाप में जो लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भाई बहन माना जाता है और उन्हें पंचायत जो है वो सजाए मौत दे देती है, उनको मार डालती है जी। यू नो, छुपा कर या सरेआम या जहर देके। तो हिंदुस्तान जो है वो एक लोकतंत्र देश है, इसमें हर इंसान को आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जी सके। किसी भी संस्था को, किसी भी इंडिविजुअल को ये हक नहीं है कि वो दूसरे की जान ले। काफ़ी सालों से अखबारों में आता रहा है, ऑनर किलिंग के नाम से इसे जाना जाता है। फलां गांव में ऐसे ऐसे कपल को मार दिया, कपल को मार के नहर में फेंक दिया या उनको जहर दे दिया या उनको जला दिया। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट सुनाया है कि इस जुर्म के जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए। अभी हाल ही में मनोज और बबली, एक बड़ा फेमस केस है हरियाणा का, उसके जो लोग गिल्टी थे, गुनहगार थे, उन्हें कानून ने उम्र कैद की सज़ा दी है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो स्कॉट फ्री चले जाते हैं। तो ये फिल्म लोगों को इस के बारे में जागरूक करने के लिए है, सरकार को जागरूक करने के लिए है। और बदकिस्मती ये है कि कोई भी नेता, चाहे अपोजिशन का हो या रूलिंग पार्टी का हो, खुलेआम इसकी निंदा नहीं कर रहा है इसके बारे में। हालांकि कानून बने हैं, उन कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है सियासी वजहों से, क्योंकि वजह ये है कि वो वोट बैंक है और बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल वोट बैंक है। लेकिन कानून, अच्छे कानून को लागू ना करना ये बहुत ही गैर जिम्मेदार और गलत बात है और इसका सख्ती से जो है विरोध होना चाहिए और उन कानूनों को जो हमारे अच्छे कानून हैं उनको सख्ती से लागू करना चाहिए। सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चौकी के पुलिस वाले हों, उन सबको ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि अगर आपके इलाके में ऐसी वारदात हुई उसके ज़िम्मेदार आप होंगे और आपको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। सर, रीसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए तो दो फिल्में मेरी जहन में आती हैं, तो लव सेक्स और धोखा और आक्रोश, जिसमें दोनों में, लव सेक्स और धोखा में खैर पूरे तरीके से नहीं, उसमें एक स्टोरी जो थी वो ऑनर किलिंग के बारे में थी और आक्रोश उसका पूरी थीम जो है वो ऑनर किलिंग के बारे में थी। तो आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है, आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट आजकल न्यूज़ चैनल्स बहुत, पहले भी होते थे लेकिन अभी न्यूज़ चैनल्स इन सब चीज़ों को बहुत उठाते हैं बिकॉज आई थिंक वो सेंसेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अट्रैक्टिव साउंड करता है, अहम मुद्दा हो गया है, बहुत टाइम से दबाया गया है अभी फिर भी, लेकिन ये है कि लोग, इसके बारे में जागरूकता बढ़ रही है बहुत ज़्यादा।
ऑनर किलिंग की अगर बात करें, बहुत अखबारों में आता रहता है। अभी भी हम दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टार न्यूज़ वालों ने एक कपल हमारे पास भेजा, उनकी कहानी हमने सुनी। वो बुलंदशहर से थे, लड़की प्रेग्नेंट है, नौवां महीना है उसका, और भागे हुए हैं दोनों। उनको बहुत मारा पीटा गया था और मारने की धमकी दी गई थी, किसी तरह से बच के वो निकल आए। उनके माँ बाप को टॉर्चर किया गया, उनको घर से निकाल दिया गया और वो दिल्ली में पनाह लिए थे और मीडिया की मदद ले रहे थे। और पुलिस वाले ने एक मामूली एनसी लिख के उनको भेज दिया, जिससे कुछ नहीं होता। जी, तो किसी तरह का कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। तो वो भटक रहे थे बेचारे। जैसे मुद्दे पे अगर कोई फिल्में बनाई जाती हैं, ऑब्वियसली आई थिंक कोई भी फिल्म अगर आदमी बनाता है तो उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ पैसा उसमें खर्च होता है। हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं लोग एक ज़्यादा ऑडियंस तक वो लोग वो फिल्म पहुँचे, और फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी ऐड करने की कोशिश की जाती है। तो खाप में आपको क्या लगता है कि आपने इतनी बेहतरीन फिल्में करी हैं, बहुत आपको बहुत ज़बरदस्त आपको तजुर्बा है, इसमें ऐसी कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू को भी रखने की कोशिश की गई है कि सिर्फ हमने मुद्दे के बारे में बात करने की कोशिश की है? एंटरटेनमेंट वैल्यू वो होती है कि कोई चीज़ जो आपको बांध के रखे। आप अखबार नॉवल पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, जो कहानी आपको ये पढ़ते हुए लगे अरे यार आगे क्या हुआ। माँ ने आवाज़ दी, बेटा खाना लग गया, खा लो, माँ मैं अभी आ रहा हूँ, क्योंकि आप जानना चाहते हो आगे क्या हुआ। तो ये क्वालिटी जो है उसमें हो सकता है डांस ना हो, सकता है गाना, हालांकि इसमें 5 गाने हैं। अब मिसाल के तौर पे आक्रोश, जो हमारी गोविंद निहलानी वाली आक्रोश थी, उसमें एक लावणी थी बस, और 2 बैकग्राउंड में छोटे छोटे अंतरे थे। कोई उसमें मनोरंजन वाली चीज़ ऐसी नहीं थी कि जोक हो रहे हैं, मजाक हो रहे हैं, आइटम नंबर है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी वो दर्शकों को बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उसमें एक सस्पेंस था, सच्ची वो कहानी थी, सबक वाली कहानी थी और हमारी सामाजिक बुराइयों से जुड़ी हुई थी। उस पर जुडिशरी पे भी अटैक था, उस पर पॉलिटिशियंस पे भी था, पुलिस पे भी था, वो चली थी, दर्शकों ने देखी। मैं कोई दुश्मन तो नहीं हूं तुम्हारा, मदद तो तुम्हारी ही करने की कोशिश कर रहा हूं। लहानिया विश्वास रखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, अभी हाल ही में अर्सत्य है, अभी हाल ही में वेंसडे थी, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। बॉम्बे मेरी जान है, मुंबई मेरी जान, चक दे भी कोई ऐसी एंटरटेनिंग उस हिसाब से वो फिल्म नहीं थी, लेकिन ये फिल्में सफल फिल्में हैं। तो इसमें भी जो कहानी है उसमें एक क्यूरियोसिटी है, उसमें एक मनोरंजन वाली, जैसे पुराने ज़माने में फिल्में बनती थी 50s 60s में, बिमल राय, गुरुदत्त, गाने होते थे, म्यूज़िक होता था, सेंसिबल गाने, सेंसिबल म्यूज़िक, अच्छी कहानी, वो मनोरंजन भी करती थी और उसमें मैसेज भी होता था। बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं, आपने बहुत वेरीड, आपने हर दौर में आपने बहुत कामयाबी आपने हासिल करी है, हर किस्म की आपने फिल्में करी हैं, और इवन टेलीविजन आपने जब किया, जैसे तमस की अगर बात करें या कक्का जी कहन की अगर बात करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिस्पांस हमेशा उसमें मिला है। आज भी आप वेस्ट इज़ वेस्ट आप करते हैं, या फिर इंग्लैंड में आपका एक बहुत नाम है, आपको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी आपको मिला हुआ है, आज भी आपको मेन लाइन रोल्स आपको ऑफर होते हैं, आपको मिलते हैं, यू आर आई बिलीव 61 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन हिंदुस्तान में एक आपको लगता है कि कुछ हद तक ब्रैकेट कर दिया जाता है कि यार एक सर्टन, मतलब एक हीरो है, एक कैरेक्टर एक्टर है और एक विलन है, और कहीं ना कहीं हॉलीवुड की अगर बात करें तो माइकल डगलस आई थिंक आपकी एज ग्रुप के ही हैं, लेकिन उनको जो है एक प्रोमिनेंस है वो आई थिंक अभी भी है और मेरे ख्याल से आगे भी रहेगी कहीं ना कहीं, इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं वो ज़्यादातर लव स्टोरीज होती हैं, यंगस्टर्स को लेकर बनती हैं, हालांकि हमारे यंग हीरो जो हैं वो बहुत सालों तक यंग रहते हैं, मतलब वो 45 साल की उम्र में भी वो किताबें लेके कॉलेज चले जाते हैं, जो कि विदेश में ऐसा नहीं होता है। आप 3 इडियट्स की बात कर रहे हैं?
थ्री इडियट्स की भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ जो है कैरेक्टर एक्टर्स को लेकर मुख्य भूमिका में फिल्में ना के बराबर बनती, तो इसलिए कैरेक्टर एक्टर्स को जब वो 50 के हो जाएं कोई भी एक्टर, उनको अगर वो किसी फिल्मी परिवार से ना हो तो उन्हें आराम से रिटायर हो जाना चाहिए या फिर हीरो का बाप की भूमिका के लिए मूछें बनवा लेनी चाहिए। ईस्ट इज ईस्ट आपने करी और बहुत कामयाबी मिली और कहीं ना कहीं इट वाज कॉल्ड ओमपुरी फिल्म, इट वाज सोल्ड एज एन ओमपुरी फिल्म, यू आर द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म। For you, my love. What the bleeding hell is that? It's good, I think. Bloody bargain. It's an old barber's chair, you daft. इस तरीके की फिल्में आप करना चाहेंगे कि जहाँ पर आपको एक प्रोमिनेंस आपको एज एन एक्टर आपको मिले, एज अ मेन लीड आपको मिले, यार मतलब दैट आई एम इन द फोरफ्रंट, आपको ये चीज़ महसूस होती है कभी? नहीं, अब वो तो आने पे है, यहाँ से तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बाकी काफ़ी कुछ कर लिया है तो अब जो किस्मत में होगा जो आएगा वो ज़हे नसीब उसको हम करेंगे, लेकिन तड़पने से कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी काम किया है मैंने जी, 250 फिल्में की हैं 35 साल के करियर में, अच्छे रोल आएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो कोई अफसोस नहीं। जैसे आपने कहा 35 साल का करियर, 250 फिल्में आपकी हैं, जब आपने स्टार्ट किया था कि अगर जैसे शक्ल की बात की जाए, सूरत की बात की जाए, आपके पास एक तरीके से अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक तरीके से डिसएडवांटेज था, लेकिन आपने उस डिसएडवांटेज को भी आपने एक एडवांटेज में आपने तब्दील किया, आपने कॉमेडी के रोल्स भी आपने बहुत बखूबी किए हैं, लोगों ने उसको बहुत बहुत पसंद किया है, उसको मतलब यादगार आपको रहा है, तो क्या आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी स्ट्रेंथ आपके अंदर थी जो कि आपने अपनी जो भी आपकी सपोजिटली जो कमज़ोरियाँ मानी जाती हैं एक दुनियावी तौर पे, आपने उनको एक असेट के तरीके से आपने तब्दील कर दिया? जी, मेरी ज़रूरत थी, मुझे ये प्रूव करना था कि भाई लुक्स जो हैं वो आप जो कुदरत ने आपको दिया है, जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, उसका आप इस्तेमाल करो, मेहनत करो और अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करो, और फॉर्चुनेटली मुझे आर्ट सिनेमा ने बहुत कुछ दिया जिसकी वजह से मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, और उसकी वजह से ही कमर्शियल सिनेमा ने भी मुझे एक्सेप्ट किया। जब शुरू में बच्चन साहब आए थे उनको भी बोलते थे अरे बहुत लंबे हैं, यू नो ये वो हैं, शेख मुख्तियार एक एक्टर होते थे जी, जी, जी। वो भी फिल्मों में थे, उनके चेहरे पे भी चेचक के दाग थे, तो मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ। हाँ, ये बात सही है कि ज़्यादातर लोग जो हैं और ज़्यादातर हमारे जो एक्टर्स हैं जो एक्सेप्ट किए जाते हैं एज मेन प्रोटैगनिस्ट ट्रेडिशनली हैंडसम होने चाहिए। अगर 70s की बात की जाए, जैसे पैरेलल सिनेमा का एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अर्ली 80s में भी एक वो मूवमेंट था, आपकी एक फिल्म है जाने भी दो यारों जो कि आई थिंक बहुत हद तक सारे आई थिंक फार्मूलाज को ब्रेक करती है, इट इज़ इंटरटेनिंग एज वेल एट द सेम टाइम, बहुत ही उसमें गहराई भी बहुत ज़्यादा है, ब्लैक कॉमेडी एक वो थी उस टाइम में, बहुत ही मुश्किल से वो फिल्म बनाई गई थी बहुत कम पैसों में, लेकिन आज के टाइम में वो क्लासिक मानी जाती है आपकी, वो तरने जब वो जो एक आपका कैरेक्टर था कि उसमें आपने आई थिंक पहली बार आपने कॉमेडी आपने अटेम्प्ट करी थी जी, तो कहीं ना कहीं जो एक ट्रांजिशन था पैरेलल फिल्म के जो एक्टर्स का एक कमर्शियल मेन स्ट्रीम में, वो कैसा आपका तजुर्बा रहा था सच? वो क्या पैसे की जरूरत थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आर्ट सिनेमा मेरा पहला प्यार है, उसमें धन ना के बराबर था, जाने भी दोबारा का 9 लाख का बजट था, अरसत्य का 19 लाख का था, मुझे 25,000 मिले थे, 5,000 जाने भी दोबारा मिले थे, स्पर्श में एक हफ्ता काम किया था मैंने, तीन सीन थे उसमें, 500 रुपये मिले थे तो जाहिर है आप ऐसे में बम्बई जैसे शहर में जिंदा नहीं रह सकते, तो मैं कमर्शियल सिनेमा का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक रीज़नेबल कंफर्ट वाली ज़िंदगी दी, आर्ट सिनेमा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी पहचान बनाई और मुझे अच्छे अच्छे रोल्स मिले, मैं
एक इंटरनेशनल सिनेमा में भी अपनी छोटी मोटी छाप छोड़ पाया। हिंदुस्तान का आपने बहुत नाम आपने रोशन किया है। सर ये भी कहा जाता है कि जैसे जब नसीरुद्दीन शाह ने तिरछी टोपी वाली गाना गाया तो दैट डे पैरेलल सिनेमा डाइड समवेयर, इज इट अ फेयर असेसमेंट? पैरेलल सिनेमा इज स्टिल नॉट डेड, इट हैज रीशेप्ड इटसेल्फ। जो 8-10 फिल्म मेकर बॉम्बे में हैं, चाहे विशाल भारद्वाज हों, प्रकाश झा हों, विनोद चोपड़ा हों, आशुतोष गवारेकर हों, राजकुमार हिरानी हों, ये लोग जो हैं ये अच्छा सिनेमा बना रहे हैं। ये आर्ट सिनेमा का ही रूप है, उन्होंने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप दे दिया है कि वो स्टार्स को लेते हैं और म्यूज़िक और गाने का इस्तेमाल करने से घबराते नहीं। अब वो आरक्षण बना रहे हैं, इट्स एन आर्ट फिल्म, रिजर्वेशन के ऊपर है, राजनीति बनाई, इट्स एन आर्ट फिल्म, लेकिन उसमें स्टार्स हैं। पहले जो आर्ट फिल्में बनती थी उसमें नए लोगों को भी लिया जाता था। नहीं, सही बात है, सही बात है। फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए स्टार्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कोई उसमें बुराई नहीं है। सर अगर आप अपने करियर में आप अगर आप देखें तो कुछ चंद आपके यादगार आपके जो फिल्में आपके रही हैं आपके अकॉर्डिंग? ऑब्वियस तो आक्रोश और अर्ध सत्य है, तमस है, सुष्मन है, जाने भी दो एरो है। आरोहण ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं, रिलीज़ नहीं हुई, बाकी टेलीविज़न पे अच्छा काम हुआ है। भारत एक खोज, कक्का जी कहन, मिस्टर योगी, राग दरबारी, यात्रा श्याम बेनेगल के साथ, किरदार गुलजार साहब के साथ, तेरा कहानियाँ की थी, और ब्रिटिश की 2-3 फिल्में बहुत हिट हुई, ईस्ट इज ईस्ट, ब्रदर्स इन ट्रबल, माय सन द फनेटिक, पैरोल ऑफिसर, वेस्ट इज वेस्ट। टेलीविजन पे मतलब मेरे जहन में जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, अगर आपका कोई जहन में आता है तो कक्का जी कहन, आज भी सर वो उतना ही रेलिवेंट है कहीं ना कहीं, अगर वो देखा जाए जिस तरीके के हालात हमारे बीच में हैं। वो तो पॉलिटिकल सैटायर है, वो बीच में कुछ बातें हुई थी कि शायद वो फिर से रिवाइव किया जाने वाला है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एज़ वेल। कैन वी सी कक्का जी कहन कमिंग बैक वंस अगेन? डू यू सी दैट हैपनिंग? आई एम प्रिपेयर टू एक्ट इन इट, लेकिन अब उसको कौन बनाएगा? मनोहर श्याम जोशी जी तो चले गए, वो इस दुनिया से तंग आ गए थे इसलिए वो छोड़ के चले गए। बासु चैटर्जी ने डायरेक्ट की थी, मैंने एक बार उनको जिक्र भी किया था, तो कहा था देखते हैं, लेकिन बहुत पोटेंशियल है उसमें। वो ऐसा है भैया, हमारे गांव देहात में कहत है भैंस से बड़ी अकल, वो ये भी कहत है सबसे बड़ा रुपया। ब्रेन इज बिगर देन बफलो, बट मनी इज बिगर देन बोथ। और ये मिसेस गांधी की ख्वाहिश थी, उन्होंने यस मिनिस्टर देखा था इंग्लैंड में, जी। तो उन्होंने यहाँ बोल के बोला था कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ बनना चाहिए, तो इसीलिए फिर टेलीविज़न ने उसको परमिशन भी दी थी। ऐसा फाइनली आपके और आने वाले आपके कौन कौन सी फिल्में हैं? आने वाली फिल्में तो खाप है जो कि 29 को रिलीज़ हो रही है, दूसरी है डॉन 2, उसमें कोई बहुत बड़ा मेरा मेजर रोल नहीं लेकिन डिसेंट रोल है, जो मैं डॉन 1 में भी था, right. एक इंटरपोल ऑफिसर, इफ्तिखार साहब का रोल आपने जी। और दूसरा है करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, तो उसकी शूटिंग चल रही है, तो मेरा ख्याल है वो जनवरी में रिलीज करना चाह रहे हैं। और अभी एक टिप्स की फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, उसका नाम अभी रखा नहीं है, तो वो इसी महीने शुरू हो रही है। हमारे समाज के कितने प्रतिनिधि मौजूद हैं वहाँ? कोई भी सरकार मान्य नाराज नहीं कर सकती, अगर किसी ने भी मारी प्रथाओं पर उंगली उठाई तो सरकारें हिल जाएंगी। That was ओमपुरी साहब, जो कि अपनी आने वाली फिल्म खाप के बारे में उन्होंने बताया कि वाई पीपल शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक बहुत ही इलस्ट्रियस करियर रहा है ओमपुरी साहब का, तो उसके बारे में भी हमने कुछ बात करने की कोशिश उनसे करी कि क्या उनका एक्सपीरियंसेस रहे। और जैसे ओमपुरी साहब ने कहा कि आर्ट फिल्म और पैरल फिल्म आज भी उनका पहला प्यार है, और वो आज भी उसको उनको लगता है कि पैरल फिल्म जो है वो एक नए फॉर्म में मौजूद हैं, आज भी वो फ्लरिश कर रहे हैं, और आज मेन स्ट्रीम एक्टर्स जो हैं वो ऑर्बिट फिल्में कर रहे हैं समवॉट, इसमें म्यूज़िक और डांस भी है, जिससे उनको लगता है कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए। उसके
अलावा एक और बहुत आई थिंक स्टार्टलिंग डिस्कवरी हम लोगों ने आज करी कि अर्ध सत्य जो कि एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म है हिंदुस्तान के फिल्मों के इतिहास में, उसके लिए ओमपुरी साहब को 25,000 रुपये दिए गए थे। जाने भी दो यारों जो इनका कैरेक्टर है वो आई थिंक एक बार आप फिल्म देखेंगे तो हमेशा आपको आपके जहन में रहेगा, जो उसमें जिस तरीके से स्टेपनी लगाने की कोशिश की हमेशा याद रहेगा। उसके लिए 5,000 रुपये ओमपुरी साहब को मिले थे और स्पर्श के लिए उनको 500 रुपये मिले थे। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स के आप अच्छा काम करना चाहें और अगर आप एक मेन स्ट्रीम स्ट्रक्चर में अगर आप नहीं करें तो किस किस्म की दिक्कतें एक्टर्स और टेक्नीशियंस फेस करते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अ टेस्टिमनी दैट। और ओमपुरी साहब ने अपने आने वाली फिल्मों के बारे में और द मेयर फैक्ट दैट ही वांट्स टू डू कक्का जी कहन वंस अगेन, दैट वाज आई थिंक मेमोरेबल टेलीविजन सटायर दैट विल ऑलवेज रिमेन इन द मेमोरीज। सो ही वुड लव टू डू इट अगेन इफ प्रोवाइडेड समवन इज विलिंग टू मेक इट वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बॉलीवुड हंगामा पे आने के लिए एंड वी रियली होप कि आपकी सारी फिल्में कामयाब हों और आई वुड लव टू सी यू एज कक्का जी कहन ऑन टीवी। आई हैव स्टॉप्ड वॉचिंग टेलीविजन बट आई वुड लव टू सी दैट ऑन टीवी वेरी वेरी सून व्हेनेवर इट दैट happens. Well, I hope it happens. That's all we are from Bollywood Hangama. Keep on watching. कत्लेआम रही, शुद्धिकरण आयो, शुद्धिकरण। क्या आज भी प्यार करने की सजा मौत है? कब तक?